question. Kindly read the question. This is writing. Task 2. 250 words. 4 to 5 paragraph and 30 to 35 minutes. Your desired band score should not be less than 7.5 to 8. इतना सोचेंगे तब भी हमारे 7 आएंगे. इफ यू थिंक ऑफ 5 इट्स नॉट गोइंग टू बी एन अचीवेबल स्कोर. नाउ आई विल बी डिवाइडिंग द टाइम टेबल विद यू. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन अगेन एंड दिस इज अ क्वेश्चन इन द कैटेगरी ऑफ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स. ओके, टुमारो आई एम गोइंग टू पिक अप क्यू कार्ड्स, हाउ टू फॉर्मुलेट एन आइडिया इन अ क्यू कार्ड. और टुमारो आई थिंक आई शुड पिक अप द टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट इन राइटिंग आई विल पिक अप टुमारो, बिकॉज फिर आपकी कंटिन्यूटी बन जाएगी. टुमारो आई विल पिक अप टाइम मैनेजमेंट विद यू. देन आई विल पिक अप डे आफ्टर आई विल पिक अप क्यू कार्ड्स, रीडिंग नेक्स्ट एंड लिसनिंग्स. इज इट क्लियर? सो आई हैव टोल्ड यू बिफोर हैंड एब्सेंट मत होना. राइटिंग का ये क्वेश्चन करवा के देखते हैं. अगर टाइम है तो मैं आपको एक टाइम मैनेजमेंट का भी क्वेश्चन करवा देती हूँ, ताकि कल जब हम 2-3 क्वेश्चंस टाइम मैनेजमेंट के करें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. आई विल टीच यू हाउ टू फिनिश योर एसे इन 30 मिनट्स. और आप खुद ही बोलोगे कि 30 मिनट से पहले ही खत्म हो गया. ओके, आफ्टर दिस क्वेश्चन आई विल पिक दैट. नाउ जस्ट हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन. इन टुडे सोसाइटी कॉमा, कॉमा का क्या मतलब है? कि ये पोर्शन हमारा इम्पॉर्टेंट है. This is going to have a continuation with the other part of the statement. In today's society, more and more work is done through machines. Full stop. Do you agree or disagree? क्योंकि हमें क्वेश्चन की हर कैटेगरी समझ में आनी चाहिए ना. More and more work is done with machine. Agree or disagree? Agree. Why is it done with machines? Because there is an advancement of technology. Easy answer hai. Ab kehte hai, do you think positive effects of this development outweighs the negative effect? Iska matlab usne humare se choice pooch li. Ke positive zyada hai ke negative zyada hai? Positive or negative? Ek choti si cheez mind mein dhyan mein rakhna. टेक्नोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वर्ड मशीन इज गिवन टू यू. व्हेन द वर्ड मशीन इज देयर दैट मींस इट इज़ समवॉट रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी. और टेक्नोलॉजी का कभी ऑलवेज द बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी. अगर हम लोग एडवांटेज सोच रहे हैं तो एडवांटेज सोचने का क्या मतलब है? वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स? If more and more work is done through machines, I'll just discuss with you. एक बार question आया था exam में. Nowadays more and more work is done through machines. This is causing unemployment. Do you agree or disagree? तो इसमें बच्चा थोड़ा सा confused हो जाता है कि उसको लगता है कि जो काम 10 बंदों ने करना था वो एक computer ने कर दिया, एक robot ने कर दिया. तो इज इट एडवांटेज और डिसएडवांटेज? डू यू अग्री और डिसएग्री? व्हेन अ वर्क इज डन विद मशीन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड, मत करो एग्री. पॉजिटिव ऑफ टेक्नोलॉजी लो. एम्प्लॉयमेंट कैसे हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट सॉरी कैसे हो जाएगी? मशीन का काम अगर कोई इंसान कर रहा है तो क्या अनएम्प्लॉयमेंट होगी? कुछ भी नहीं होगा. We will have more of the skilled labor. Skilled labor हो जाएगी, working efficiency will increase. The work will become errorless. पहले जब आपको याद है accounts maintain करते थे accountants रख के, और कितनी गलतियाँ होती थी. अगर इतनी बड़ी multinational company बिना computer के accounts maintain करेगी तो possible है? नहीं है. Machines, technology, industrialization इन चीज़ों के डिसएडवांटेजेस नहीं हैं. ओनली द मिस यूज कैन कॉज अ डिसएडवांटेज. तो हमारी ओपिनियन क्या बनेगी? डू यू थिंक
दैट पॉजिटिव्स आर मोर और नेगेटिव्स आर मोर, तो हम इस पे जाएंगे. पॉजिटिव्स आर मोर, मोर पॉजिटिव्स. मोर पॉजिटिव मीन्स बेनिफिट्स. इज इट क्लियर? तो बेनिफिट क्या है टेक्नोलॉजी का, इसका, मशीन्स का? हाँ, अभी मैंने आपको बताया टाइम सेविंग हो जाएगा, एररलेस हो जाएगा, एफर्टलेस हो जाएगा. लाइफ बिजी कैसे हो जाएगी? इजी. इट विल बी मेकिंग द वर्क एंड लाइफ वेरी इजी एंड कन्वीनियंट. प्रोडक्टिविटी विल बी वेरी हाई. जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो क्या होगा, जिसमें बैंड छुपे हुए क्या होगा? द कंट्री विल प्रोग्रेस. कंट्री कैसे प्रोग्रेस करेगी? सोशली एंड इकोनॉमिकली. व्हेन कंट्री विल प्रोग्रेस सोशली एंड इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक के अंडर हम इकोनॉमिक के फैक्टर्स लिख देंगे. इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? मोर एंड मोर प्रोडक्टिविटी विल बी देयर, जॉब्स विल बी जनरेटेड, पीपल विल बी स्किल्ड एंड पर कैपिटा इनकम विल इंक्रीज. डू यू अंडरस्टैंड? करवा दूं अभी ये क्वेश्चन, समझ आ गया? टेक्नोलॉजी का डिसएडवांटेज मत देना, स्कोर कम हो जाएगा. बिकॉज एग्जामिनर की समझ में नहीं आएगा कि टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. टेक्नोलॉजी का अगर डिसएडवांटेज होता है तो वो सिर्फ मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी में होता है. एक छोटा सा वर्ड याद रखना, दैट इज ऑल इन मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी. एंड दैट ऑल्सो इज अ प्रॉब्लम ऑफ अंडर डिवेलप एंड डिवेलपिंग नेशंस. Technology has given us all hybrid things. Technology has always given us a things which is going to make the life convenient, easy, comfortable. अब technology ने हमें ये थोड़ी बोला, आप सोचते हो कि हमने auto देखी तो technology की disadvantage हो गया. No, technology has not given us this. This is what we have made because we can't afford hybrid things. Fine? करवा दूं, इज इट क्लियर? हेड क्लियर? क्योंकि बच्चे आप लोगों ने ना सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने हैं, क्वेश्चन कैसे भी ट्विस्टेड आ जाए यू विल बी एबल टू डू इट. मैंने कभी भी एक क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं दिया. आई ऑलवेज पिक अप द कॉन्सेप्ट्स एंड द नोट्स. व्हेन एवर द टॉपिक इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी इट इज ऑलवेज बेनिफिट्स. दैट इज आवर ओपिनियन. वेदर वी अग्री डिसअग्री एंड एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस. Is it fine? Okay. अच्छा, अगर एक क्वेश्चन आता है दैट क्या क्वेश्चन पढ़ा था मैंने, हाँ, टेक्नोलॉजी इज कॉजिंग पोल्यूशन. डू यू अग्री और डिसअग्री? डिसअग्री. वाई? कम ऑन, वाई की तो बैंड्स हैं. टेक्नोलॉजी इज कॉजिंग पोल्यूशन, छोटी सी बात उसने बोल दी और आपसे पूछा अग्री और डिसअग्री. आप सोचते हो कि पोल्यूशन है तो टेक्नोलॉजी से हो रही है. हमारे दिमाग में ऑटो आ जाती है, फैक्ट्रीज आ जाती हैं, तो हम बोलते हैं कि पोल्यूशन है. बट आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, आप कहाँ जा रहे हो सारे बच्चे? कनाडा ना, तो कनाडा में पोल्यूशन है? नहीं है. टेक्नोलॉजी है? Yes. तो फिर दिस इज एन आंसर. सिंपल सी चीज़ रखो ना, ऑटो को दिमाग में निकाल दो. क्योंकि आंसर्स अपने पे अप्लाई करोगे तो उसकी फॉर्मेशन गलत नहीं होगी. व्हेन आइडिया इज करेक्ट 250 वर्ड इज करेक्ट. अदरवाइज राइटिंग तो क्या है, इट्स जस्ट लाइक आई मीन एक्सप्रेशन ऑफ थॉट. कोई मैथमेटिक्स तो है नहीं, 2 2s are 4 होगा. इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है. इट्स ओनली द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ. तो टेक्नोलॉजी का क्या है, सिंपल. कैनेडा जा रहे हैं, कैनेडा में बहुत टेक्नोलॉजी है. अमेरिका जा रहे हैं, बहुत टेक्नोलॉजी है, लेकिन पोल्यूशन नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज इट्स नॉट मिसयूज्ड. मिसयूज कहाँ पे होती है? डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, वेयर अफोर्डेबिलिटी लेवल इज लेस. हम लोग जुगाड़ चलाते हैं. इज इट क्लियर? करें अब इसको, समझ आ गया टेक्नोलॉजी का? अच्छा, मोर एंड मोर वर्क इज डन थ्रू मशीन. ओके, दो तीन पॉइंट्स आपको इंट्रो के लिखवा के बाकी फिर मैं पॉइंटर्स देती हूँ आपको. ओके, अब इसको टेम्पलेट्स में फिट कर लोगे? Yes. पक्का? Yes. टेम्पलेट्स करवाने की तो नहीं जरूरत है मुझे. फाइन.
वैसे मैं एक दिन रिवाइज करवा दूंगी आपको अगर आप बोलोगे कि हाँ आई विल बी पिकिंग अप, बट अभी तो आपको टेम्पलेट्स आते हैं ना सबको, ठीक है लिखो. इट इज हाईली डिबेटेबल, इट इज हाईली डिबेटेबल एंड कॉन्ट्रोवर्शियल and controversial that machines can cause any harm to human beings. According to my perspective, the work done through machines is always acceptable and preferable because there are myriad of reasons to support the benefits of technology. ठीक है, समझ आ गया, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है. अब हमारी ओपिनियन क्या बनी? एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस. लिख के अंडरलाइन कर लो, ये ओपिनियन है आपकी. एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस. फर्स्ट पॉइंट लिखो, मशीन्स आर द बिगेस्ट इन्वेंशन एंड ब्लेसिंग ऑफ टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट पॉइंट, इट मेक्स द वर्क एररलेस एज वेल एज एफर्टलेस. इट मेक्स द वर्क एररलेस एज वेल एज एफर्टलेस. Next point, working with machines is making man more efficient and sharp. तो दिमाग तेज हो जाता है. नेक्स्ट, मल्टीटास्किंग स्किल्स डिवेलप. नेक्स्ट, heavy industrialization. अब BP1 BP2 के pointers दे रही हूँ मैं. 3-1 में लगा लेना और 3 to 4 pointers 2 में लगा लेना. Is it clear? Opinion हमारी है
एडवांटेजेस आर मोर. बाकी टेम्पलेट्स आपके पास हैं, कनेक्टर्स आपके पास हैं, उसको फिट कर लेना. ओके क्या बोला था मैंने, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन. Is a reflection of progressive society. Of progressive society. This makes, next point, this makes, yeah, isi mein kar lo. This makes the country developed and also makes the society more comfortable. Next point, the country progresses socially, economically and politically. Next point, considering the economic aspect, jobs are generated and per capita income increases. पता है क्या होता है, एक निजी बंदे की आमदन, दैट इंक्रीजेस. कि जितनी मशीन्स लगेंगी उतनी जॉब्स आएंगी, उतनी स्किल्ड लेबर होगी, लोग उतना काम करेंगे, जितना काम करेंगे उतनी इनकम इंक्रीज हो जाएगी. आप देखते हो ना, एक बंदा फैक्ट्री में काम करके आया है, घर पे आके उसने कंप्यूटर्स पे काम कर लिया, तो उसकी क्या होगी, डबल इनकम हो गई. अ पर्सन हु इज़ डिसेबल, आई शुड से ही इज चैलेंज पर्सन, कि वो ज़्यादा घूम फिर नहीं सकता, लेकिन मशीन एक ऐसी चीज़ है उसके साथ उसकी भी इनकम इंक्रीज होती है, कि वो घर पे बैठ के ही कैन वर्क. और मशीन्स ने हमें क्या दिया है, मशीन्स हैज गिवन अस ग्लोबल वर्क, वी कैन वर्क एंड वी कैन अर्न इन डॉलर्स एंड पाउंड्स. दिस इज द बेनिफिट ऑफ मशीनरी. ये हमारा इकोनॉमिक एस्पेक्ट है. और सोशल एस्पेक्ट क्या है मशीन्स का, मोर एंड मोर वर्क इज डन थ्रू मशीन्स. सोशली वी आर कनेक्टेड ग्लोबल, एट ग्लोबल प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलप. इज इट क्लियर, लिखो सोशल, लिख के अंडरलाइन कर लेना, इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलप. और पॉलिटिकल प्रोग्रेस कैसे आती है मशीन्स में, कैसे आती है पॉलिटिकल प्रोग्रेस, बोलो. वोट्स की काउंटिंग कैसी होती है, आजकल वोटिंग होने वाली है मशीन से होती है. आप सोच सकते हो कि कोई भी काम बिना मशीन्स के हो जाए, कैन यू एवर थिंक, यू कांट इवन इमेजिन योर लाइफ विदाउट अ मशीन. सो दिस इज द प्रोग्रेस दैट इज गोइंग थ्रू मशीन्स. इसमें हमने बेसिकली क्या डिस्कस किया है क्वेश्चन में, वी हैव डिस्कस्ड बेनिफिट्स ऑफ मशीन. जहां मशीन आया वहां टेक्नोलॉजी आ गई. इज इट क्लियर, इज द आंसर वेरी क्लियर. कंक्लूजन में क्या करोगे, कंक्लूजन जो हमारी ओपिनियन है वही हमारी कंक्लूजन है. यस, डेफिनेटली द बेनिफिट्स ऑफ मशीन्स outweigh disadvantages. Merits are more than
डीमेरिट्स. इज इट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? एवरीबडी फाइन? यस मैम. ठीक है.